नमस्कार दोस्तों स्वागत तो है आप सभी लोगों का जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में दोस्तों यह जियोलॉजी फॉर यूपीएससी की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो कि आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट जियोलॉजी का इंटायर सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने चैनल जियोलॉजी फ़ॉर यू में एक बार आप लोगों से कहा था कि हम के एम बांगर की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी उसका कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करेंगे तो अपने उसी बात को पूरा रखते हुए हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ जैसे कि इस लेक्चर को मैं बाई में रखूँगा मोस्टली मैं हिंदी में बोलूँगा बट जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर उनको समझाने के लिए मैं इंग्लिश का सहारा लूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ और बाई रखने का मेरा एक मेन एम यह भी है कि बहुत सारे लोग जो कि जियोलॉजी शुरू करते हैं बिगनिंग में वो की टर्म से इतने फेमिलियर नहीं होते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके बोलने से फ़ायदा ये होगा कि उनको भी अच्छे तरीके से समझ डेवलप हो जाएगी तो अगर आप किसी नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो इसको अदर वे में मत लीजिएगा प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा कि लैंग्वेज कोई बैरियर ना हो और आसानी से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएँ मित्रों ये हमारा जो जियोलॉजी लेक्चर सीरीज है इसकी जो टारगेट ऑडियंस है सबसे पहले हमारे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लिए हैं और जिनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है उनको ये सब्जेक्ट को समझने में चूँकि बहुत सारे नए नए की टर्म्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स होते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ये लेक्चर मैं दिमाग यह मान कर चलूँगा कि जो भी देखने वाले हैं वो बिगिनर्स हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जो कि और टारगेट्स हैं वो कि हमारे यूपीएससी के इस्पीडेंट्स हैं चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हों चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के हों या फिर वो कम्बाइंड जियोलॉजिकल सर्विसेज के हों तो इन एस्पिरेंट्स को भी मैं ध्यान में रखकर लेक्चर को रिकॉर्ड करूंगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो कि जियोलॉजी से रिलेटेड है या फिर और भी बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आप नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इवन यदि आप जियोग्राफी बैकग्राउंड से हैं और आप नेट जी के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो भी आपको इस लेक्चर सीरीज को देखने से बहुत फ़ायदा होने वाला है मुझे लगता है कि दस बीस क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर ही जाओगे और इतना काफ़ी होता है आपका स्कोर बूस्टअप करने के लिए इन ऑडियंस के अलावा मित्रों और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नए नए चीज़ों को सीखने की समझने की क्यूरियोसिटी होती है तो अगर आपको अर्थ को समझने में सीखने में क्यूरियोसिटी है तो भी आपके लिए ये लेक्चर जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं तो प्लीज़ आइए ज्वाइन करते हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं इस लेक्चर का दोस्तों ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जो कि अब तक का हमारा मेन कम्युनिकेशन वे है जियोलॉजी फॉर यू आप यहाँ पर हमसे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो भी कंटेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने में बनाने में या लेक्चर रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप लोग इसको लाइक like करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि हम सभी लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें ठीक है तो चलिए इसी इंट्रोडक्शन के साथ अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं धन्यवाद